हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेंड वीडियो के लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक पर प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता रहता है। तो दोस्तों आज हम इस टाइप के वीडियो को ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे आपको शूट करना है और कैसे एडिट करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से आपको कैनवास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं बताता हूँ इस टाइप के वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन से कैनवास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को जब भी आप यहाँ पर शूट करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में वीडियो को शूट करना होगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पे प्ले करके भी दिखा दूंगा। इस तरह से आप इस टाइप के वीडियो आप बिल्कुल आसानी से शूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों वीडियो को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मान लो अगर ये स्टार्टिंग है, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैचे के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचे के निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे क्या होगा, राइट साइड के जो भी वो भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अलग अलग पार्ट में वीडियो शूट किया गया है, तो आपको भी इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। और दोस्तों आपको एडिटिंग कैसे करना है ये आपको पता करना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले करके वीडियो को 2 से 3 बार आपको देख लेना है किस तरह से वीडियो को शूट किया गया है। मैं एक बार यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ फर्स्ट वाले वीडियो आपको इस टाइप का शूट करना है और सेकेंड वाले वीडियो किस तरह से शूट करना है वो भी आप देख लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में हमारा वॉइस जो है स्लो हो जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑडियो फेड आउट का ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट में साउंड जो स्लो हो रहा था वो साउंड स्लो नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था सबसे पहले मैंने रिमूव कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल से सेकेंड वाले वीडियो पे क्लिक क्लियर पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है। कैप्चर कर लेने के बाद तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो का पूरा काम हो चुका है। तो इसको अब करना क्या है, मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी हमारा आइडियो होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है और इसे हमें लास्ट तक लेकर आना है। और इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो को हमें काम हो चुका है, तो सबसे पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसके बाद हमें इसे डन करते हैं। डन करने के बाद इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद चलते हैं आपको मैं पिक आर्ट पे। पिक आर्ट आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक आर्ट ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और जो फ़ोटो हमने कैप्चर किया था वो फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये लड़की वाले फ़ोटो जो है इसे हमें PNG में सेव करना है। तो सिंपल आपको करना कैसे है, क्रॉप के निशान पर आना है और इसके बाद इस पर सबसे पहले हमें क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कट आउट का। कट आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले पे क्लिक कर देना है और जो पार्ट हमें चाहिए यहाँ पे हमें रेड कलर में सेलेक्ट करना होगा। चलो मैं फटाफट सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो जो हमें सेलेक्ट करना है PNG में सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल हमें ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हमें इसे हमें रिमूव कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट को। इस तरह से आप एक्स्ट्रा पार्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ का। ड्रॉ पे क्लिक करना है, फिर से ड्रॉ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। ये इमेज जो है हमारा बैक गैलरी में सेव हो चुका है, तो फिर से हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले मैं ये भी फ़ोटो में एक बैकग्राउंड का ले रखा हूँ, तो आपको भी इस तरह से एक बैकग्राउंड का फ़ोटो आपको फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। तो कैप्चर करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमने लड़की का फ़ोटो PNG में सेव किया हूँ वो फ़ोटो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है।
एडजस्ट करने के बाद इस पर आप रबर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, और इसके बाद इससे नीचे से आपको सिंपल सी इस तरह से आपको कर देना है, और इसके बाद इस पर क्लिक करना है, ड्रो पे आना है, फिर से ड्रो पे आना है, और इसके बाद यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको 3 से 4 इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर से हमें ऐड फोटो पे आते हैं, फिर से हमें फ़ोटो सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिर से हम थोड़ा हल्का सा जूम कर लेते हैं, इसे अपने हिसाब से इसे एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद फिर से रबर पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद फिर से हमें नीचे का इस तरह से पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। फिर से हमें इस पर क्लिक करना है, ड्रो पे आना है, फिर से ड्रो पे आना है, और यहाँ पे सेव इमेज पे सेलेक्ट कर लेना है। तो 2 फोटो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है, फिर और चाहिए, थर्ड पिक चाहिए, फिर से हमें ऐड फोटो पे आना है, फिर से हमें यही फ़ोटो फिर से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है, इसके बाद डन करना है। इसके बाद आपको जितने भी फ़ोटो आपको बैकग्राउंड में लगाना है, इस हिसाब से आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे चलो सेव कर देता हूँ, तो हमारा 4 जो फ़ोटो है यहाँ पे गैलरी में हमारा सेव हो चुका है। इसके बाद फिर से हम चलते हैं काइन मास्टर अप्लीकेशन पर। तो फिर से हम यहाँ काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद जो वीडियो हमने तैयार किया तो उस वीडियो पर क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको 1 से 2 बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है। चलो मैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे ही हैंड का आपका इशारा करता है, यहाँ पे आपको लड़की दिख जाता है। तो आपको सिंपल सी किस पे क्लियर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो वीडियो हमने पिक कार्ड से जो हमने फ़ोटो को पिक कार्ड से बनाए थे वो फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फुल साइज करना है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट वाले फ़ोटो हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आगे की तरफ आना है, फिर से यहाँ पर लगाना है। तो फिर से हमें लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया के आने के बाद फिर से इस पर क्लिक कर देना है, और सेकेंड वाले फ़ोटो को हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें फुल साइज कर लेना है, और इस साइड से हाफ कर देना है। सेकेंड भी फ़ोटो ऐड हो चुका है, और यहाँ पे हमें थर्ड फ़ोटो लगाना है। तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद पिक कार्ट में आना है, और इसके बाद थर्ड फ़ोटो जो हमने सेलेक्ट किया थे वो फ़ोटो को आपको फुल साइज कर देना है। तो यहाँ पे थर्ड फ़ोटो भी एडजस्ट हो चुका है। चलो एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। फर्स्ट फोटो आ चुका है, सेकेंड भी आ चुका है, और थर्ड भी आ गया। और इसके बाद जो भी हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहाँ से हमें ट्रिम टू राइट कर देते हैं सारे फ़ोटो को। तो फर्स्ट वाले तो आपको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा वीडियो तैयार हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को कर देना है एक्सपोर्ट। और हमारा ये वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में बनाने में किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। यार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।